खबर उत्तराखंड में खबरों का रुख करते हैं। धारा 370 और 35 से हटने के बाद अब बीजेपी को भुनाने के लिए पूरे देश में एक अभियान चलाने की तैयारी कर रही है। इसके बारे में जनता को जानकारी देने के बहाने संगठन को और मजबूत करने पर बीजेपी काम करने जा रही है। किस तरह की रणनीति रहेगी इसको लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय पर इन दिनों बैठकों का दौर चल रहा है। इसमें उत्तराखंड से सरकार और संगठन के कई नेताओं ने भाग लिया। बैठक के बाद देहरादून पहुंचे बीजेपी प्रदेश महामंत्री अनिल गोयल ने बताया कि पूरे सितंबर माह में पार्टी 370 को जश्न के रूप में मनाएगी। केंद्रीय नेतृत्व ने निर्णय लिया कि पूरे देश में 370 जनसभाएं और 35 बड़ी रैलियां की जाएंगी। साथ ही देश हित में और समाज के हित में बेहतर काम करने वाले 2000 लोगों को चिन्हित किया जाएगा। केंद्र में बैठक शुरू है, कल से लगातार बैठकें होनी हैं 370 पे। और केंद्र से यहाँ से माननीय मदन कौशिक जी गए थे, माननीय खजानदास जी उसमें थे, माननीय रेखा आर्या जी मैडम उसमें थी, मैं थे, राजू भंडारी जी उसमें थे, और इस तरह से हम लोग वहाँ थे। और यही निर्णय किया है कि पूरे सितंबर हम इसको जश्न के रूप में पूरे देश में मनाएंगे। उन विशिष्ट लोगों को जिनका विशेष योगदान इस समाज के लिए, इस देश के लिए, इस राज्य के लिए है, उनको संपर्क करेंगे, उनके बीच में जाएंगे। 2000 ऐसे लोगों को चिन्हित करेंगे पूरे देश में जिन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण अहम भूमिका पूरे देश के विचार के रूप में, पूरे देश के मार्गदर्शन के रूप में जिन्होंने किसी न किसी रूप में योगदान दिया है। और ऐसी 35 बैठकें, क्योंकि 35 से धारा भी इसमें हटी है, ऐसी 35 महत्वपूर्ण बड़ी बैठकें और 370 जनसभाएं के रूप में इसको आगे बढ़ाया जाएगा, ऐसा हमने माना। 41वां सिद्धपीठ माता कुंजापुरी पर्यटन मेला एवं विकास मेला का आयोजन की तैयारियों को लेकर कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने बैठक ली। इसमें मेले के आयोजन को लेकर विस्तार से वार्ता की गई। कृषि मंत्री ने पॉलीथीन हटाने की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए बैठक के बाद प्रतिज्ञा दिलाई जिससे राज्य को पॉलीथीन मुक्त किया जा सके। दून अस्पताल में लगातार आ रहे डेंगू के मरीजों को लेकर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आशुतोष सयाना ने अस्पताल प्रशासन के साथ बैठक की। इसमें अस्पताल में बेहतर व्यवस्थाएं किस तरह दी जाएं इस पर चर्चा की गई। दरअसल दून अस्पताल में कई बार अव्यवस्थाओं का बोलबाला देखने को मिलता है जिस पर कई बार अस्पताल पर सवाल भी खड़े हो चुके हैं। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य आशुतोष सयाना ने बताया कि जल्द ही अस्पताल में कुछ मशीनों को खरीदा जाना है, साथ ही सिटी स्कैन मशीन को खरीदने की प्रक्रिया चल रही है और जल्द ही दूसरी मशीन को खरीद लिया जाएगा। देखिए, जो डेंगू का जो प्रकोप चल रहा है पूरे देहरादून शहर में, और उसी पर जो है हमारी एक समीक्षा बैठक थी, और जितने भी विभागाध्यक्ष हैं और जितने भी हमारे यहाँ पे जितने भी मिनिस्ट्रियल कर्मी हैं और जो भी इससे संबंधित हैं और हमारे वित्त नियंत्रण महोदय, तो जितनी भी जो है जो भी समस्याएं हैं उसको जो है हमने देखा और क्या क्या उपकरण हमें जो है नए लाने हैं उसके बारे में चर्चा हुई। और हमें खुशी है कि हमारे यहाँ से मरीज बिल्कुल संतोषजनक स्थिति में यहाँ से डिस्चार्ज हो रहे हैं, और इसी प्रकार से हमारी यह समीक्षा बैठक रही। दिवंगत राज्यसभा सांसद स्वर्गीय मनोरम डोबरियाल शर्मा की 63वीं जयंती के अवसर पर राजपुर रोड स्थित रूलक संस्था के कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें बतौर मुख्य अतिथि पूर्व सीएम हरीश रावत ने शिरकत की। वहीं इस कार्यक्रम में स्वर्गीय मनोरम डोबरियाल शर्मा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। इस दौरान कार्यक्रम में सामाजिक क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को हरीश रावत ने सम्मानित किया। वहीं पत्रकारों से बातचीत में हरीश रावत ने कहा कि स्वर्गीय मनोरम डोबरियाल शर्मा ने सामाजिक क्षेत्रों में बेहतरीन कार्य किया है जिसको हमेशा याद रखा जाएगा। उदीमान राजनेता थी, सामाजिक कार्यकर्ता थी, और जिस समय इस राज्य को और देश को उनकी सबसे बेहतर सेवाएं मिल सकती थी उस समय क्रूर काल के हाथों ने उनको हमसे छीन लिया। मैं मनोरमा शर्मा जी को जो आज 63 वर्ष की होती उनके जन्मदिन पर उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूँ। पूर्व सीएम हरीश रावत ने आतंकवाद पर बैठकर बात करने की सलाह दी और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं।
युद्ध होता ही क्यों है, बजाय आप आतंकवाद रोकिए और आतंकवाद को प्रश्रय देना छोड़िए तो बैठ करके बातचीत का समाधान निकल आएगा। आप आतंकवाद भी थोपेंगे और युद्ध की धमकी भी देंगे और फिर अपने को शांति का अगुवा बताने के लिए कहेंगे कि हम प्रमाण वस्तु का इस्तेमाल नहीं करेंगे। असल में पाकिस्तान जैसे गैर जिम्मेदार देश के पास परमाणु अस्त्र होना ही अपने आप में मानवता के लिए बड़ा बोझ है, विश्व शांति के लिए बड़ा बोझ। भाजपा के संगठन चुनाव के उधम सिंह नगर प्रभारी कैलाश शर्मा रुद्रपुर में बीजेपी जिला कार्यालय में बैठक की। इस दौरान उन्होंने बताया कि अजय भट्ट के सांसद बनने के बाद उत्तराखंड बीजेपी में नए प्रदेश अध्यक्ष चुने जाने हैं। इसके लिए संगठन स्तर पर तैयारी तेजी से चल रही है। 15 दिसंबर तक प्रदेश में बीजेपी को नए अध्यक्ष का नेतृत्व मिल जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि संगठनात्मक चुनाव का दूसरा चरण 11 सितंबर से 30 सितंबर तक चलेगा। इसमें बूथ समिति सदस्यों का चुनाव होगा। इसके बाद 11 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक मंडल अध्यक्ष का चुनाव मंडल स्तर पर होगा। 11 नवंबर से 30 नवंबर के बीच जिला अध्यक्ष और प्रदेश परिषद के सदस्यों का चुनाव होगा। और 31 अक्टूबर तक हम अपने सभी मंडलों का चुनाव भी पूरा कर लेंगे। नवंबर से 10 नवंबर तक मंडलों के जो चुनाव हुए हैं उन चुनावों में किसी प्रकार की कोई शिकायत हो रही हो, किसी का कोई कमी बेसी रही रह गई हो, उसका निस्तारण करने का समय और अपने जिला अध्यक्ष जी का चुनाव और प्रांतीय परिषद के सदस्यों का चुनाव करने के लिए जो तैयारियाँ हमको करनी है वो तैयारियाँ भी हम सब कर लें और उसके बाद 11 नवंबर से 30 नवंबर तक हम अपने सभी जिला अध्यक्षों का निर्वाचन भी पूरे प्रदेश में करवा रहे। कई मरीजों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। कोटद्वार क्षेत्र के आसपास के लोग राजकीय चिकित्सालय कोटद्वार में पिछले कई दिनों से डायलिसिस के सहारे जीवित रह रहे हैं। गरीब लोग की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वे डायलिसिस का खर्च उठा सकें, ऐसे में अटल आयुष्मान स्वास्थ्य योजना का लाभ गरीब लोगों को मिल रहा है। वहीं एक मरीज का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना बहुत ही लाभदायक है जिसका हमें कोटद्वार में लाभ मिल रहा है। वहीं अभी तक 20 से 25 मरीज आयुष्मान योजना का लाभ उठा चुके हैं। मेरा डायलिसिस जो हो रहा है आयुष्मान भारत के अंतर्गत ही हो रहा है और निःशुल्क होता है फ्री ऑफ कॉस्ट और बड़ी अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर। धन्यवाद करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जिन्होंने ये आयुष्मान योजना शुरू की है। इससे बहुत रोगियों को है ना हेल्प हो रही है। जो आयुष्मान और BPL है वो टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। आयुष्मान में जो इंजेक्शन है यहाँ के EPO या फिर जो भी इंजेक्शन लगते हैं वो हमारे यहाँ आयुष्मान की साइड से लगते हैं, फ्री है वो। और जो ड्यूरिंग डायलिसिस मेडिसिन लगते हैं उनको वो भी हम लोग यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराते हैं। यहाँ पर अभी जो हमारे पेशेंट हैं अभी हमको तकरीबन 1.5 महीना हुआ है इससे स्टार्ट कराए हुए, तो हमारे पास 20 से 25 पेशेंट हैं जो आयुष्मान से अभी लाभ ले रहे हैं। नैनीताल हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कोटद्वार बार एसोसिएशन की हड़ताल और प्रस्ताव का वैध बताते हुए कोटद्वार बार एसोसिएशन पर याचिकाकर्ता अधिवक्ता कुलदीप अग्रवाल को ₹25,000 दंड स्वरूप देने को कहा है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने बताया कि कोटद्वार जिला न्यायालय के अधिवक्ता सुशील रघुवंशी की गोली मारकर 2017 में हत्या कर दी गई थी। सुशील रघुवंशी पत्नी रेखा रघुवंशी के 4 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज करवाया था। 1 वर्ष तक गिरफ्तारी नहीं होने पर रेखा ने उच्च न्यायालय की शरण ली थी, जिस पर न्यायालय ने टीम गठित कर आरोपियों की गिरफ्तारी करने को कहा था। गिरफ्तारी के बाद आरोपियों की बेल के लिए कोटद्वार के 2 अधिवक्ता आगे आए, जिनका वहां की बार एसोसिएशन ने न केवल विरोध किया बल्कि बार की 16 मई 2019 की बैठक में प्रस्ताव लाकर किसी भी अधिवक्ता के पैरवी करने पर रोक लगा दी थी। इस प्रस्ताव के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी। राजीव गांधी नवोदय विद्यालय देवल धार की व्यवस्थाओं का जिलाधिकारी डॉक्टर वी षणमुगम ने निरीक्षण किया। स्कूल प्रशासन को जिलाधिकारी ने 40 बेड का हॉस्टल बनाने का प्रस्ताव जल्द कार्यालय में भेजने के निर्देश दिए। संविदा शिक्षकों का मानदेय प्रति पीरियड ₹30 की वृद्धि करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। साथ ही स्कूल में PRD के जवानों की प्रति वर्ष 30,000 प्रोत्साहन राशि देने और सफाई कर्मचारियों को प्रति माह 30,000 देने के निर्देश जारी करते हुए जिलाधिकारी ने स्कूल के रसोई और अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। और एक बात तो
कोटद्वार में भी अब डेंगू ने दस्तक दे दी है। राजकीय बेस अस्पताल में 2 के मरीजों को डेंगू की पुष्टि हुई, जबकि 5 मरीजों में डेंगू के लक्षण पाए गए हैं। डेंगू की पुष्टि होते ही स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। अस्पताल के डॉक्टरों ने डेंगू के मरीजों को भर्ती कर उनका इलाज शुरू कर दिया है, जबकि 5 मरीजों में डेंगू के प्रारंभिक लक्षण पाए जाने पर उनका रक्त एलाइजा टेस्ट के लिए मेडिकल कॉलेज श्रीनगर भेजा गया है। वहीं वीके शुक्ला ने बताया कि हमारे के लेवल पर जो प्रारंभिक जांच हुई है उसके अंतर्गत 5 मरीज डेंगू के पाए गए हैं। वैसे तो सामान्य ही बुखार की तरीके से होता है, जोड़ों में दर्द वगैरह साथ में रहता है। डेंगू हेमरेजिक बहुत कम परसेंटेज में होता है, बहुत कम परसेंटेज में होता है। वैसे सामान्य वायरल बुखार के जैसे ही लक्षण होते हैं, थोड़ा मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द वगैरह रहता है। हेमरेजिक जिसमें प्लेटलेट काउंट बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, उसमें जो है पहले तो शुरुआती स्थिति में कहीं चकत्ते पड़ना इस तरीके के हो सकते हैं। ज़्यादा गंभीर होने पे किसी भी जगह से ब्लीडिंग हो सकती है। प्रारंभिक जांच के बाद में एलिजा से कंफर्मेशन करना होता है, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसके लिए टीम होती है, उनको इन्फॉर्म कर दिया गया, वो उसके बारे में ज़्यादा विस्तृत वो। दिनेशपुर में शिक्षा विभाग की ओर से गदरपुर ब्लॉक क्षेत्र के अनेक स्कूलों ने ब्लॉक स्तरीय खेलों में प्रतिभाग किया। जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक रवि मेहता ने बताया कि कुछ दिन पहले संकुल स्तरीय खेलों का आयोजन क्षेत्र के विभिन्न स्कूलों में किया गया था। इसी क्रम में चुने हुए बच्चों के खेलों का आयोजन गदरपुर ब्लॉक स्तर में किया गया था। इसमें शिक्षा विभाग ने अपने क्षेत्र के प्राथमिक स्कूलों ने प्रतिभाग किया। इसके बाद जिला स्तरीय प्रतियोगिताएँ आयोजित की जाएंगी और जिला स्तर के बाद राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए बच्चों का चयन किया जाएगा। स्तर पर जो हमारी खेल प्रतियोगिताएं होती हैं उसी के क्रम में आज यहाँ पर विकासखंड स्तरीय प्रतियोगिता है। यहाँ पर वही बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं जो संकुल स्तरीय प्रतियोगिताओं में जिन लोगों ने वहाँ पे अच्छा प्रदर्शन किया था, जो बच्चे वहाँ पे चयनित हुए थे। और आज हमारे विकासखंड स्तरीय प्रतियोगिता में किड्स पैराडाइज इस स्कूल के प्रांगण में और इसके यहाँ के खेल के मैदान में बच्चों द्वारा प्रतिभाग किया जा रहा है। यहाँ पर जो बच्चे हमारे चयनित होंगे वो बच्चे हमारे लिए डिस्ट्रिक्ट रैली में जाएंगे और डिस्ट्रिक्ट रैली में फाइनली चयनित होने के बाद बच्चे स्टेट रैली में और तत्पश्चात वहाँ से भी अगर बच्चे चयनित होते हैं, अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो नेशनल लेवल पर भी हमारे बच्चों का प्रतिभाग यहाँ से किया जाएगा। दो पैर गैंगस्टर लगाया है। आपको बता दें कि किट्टी धोखाधड़ी के लगातार राजधानी में बढ़ते मामलों को देखते हुए पुलिस ने ये कदम उठाया। वहीं एसपी सिटी श्वेता चौबे ने बताया कि लगातार किटी फ्रॉड की घटनाएं सामने आने के बाद विभिन्न थाना क्षेत्रों में जहां इस तरह की घटनाएं सामने आ रही थी, पंजीकृत मुकदमों में संज्ञान लेते हुए गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है। विभिन्न थानों में जहाँ जहाँ ये घटनाएं हुई या जहाँ जहाँ लोगों को फ्रॉड करके किट्टी से रिलेटेड जो है और किट्टी कमेटी से रिलेटेड पैसे एकत्रित किए गए थे, तो विभिन्न थानों में मुकदमे पंजीकृत किए गए थे जिसमें विवेचना की गई। और उसके बाद 2 ऐसे केसेस हैं किट्टी में जिनमें हमारे द्वारा जो है गैंगस्टर की भी कार्रवाई की गई। बच्चा चोरी के आरोप में संदिग्ध लोगों की पिटाई के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। ताजा मामला उधम सिंह नगर के पुलभट्टा थाना क्षेत्र के सिरौली कला का है, जहां बच्चा चोरी के शक में एक युवक की कुछ लोगों ने पिटाई कर दी, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को भीड़ के बीच से बचाकर पुलभट्टा थाना ले गई। वहीं युवकों के परिजनों ने पुलभट्टा थाना पुलिस को तहरीर सौंप कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। एसपी देवेंद्र पींचा ने बताया कि अज्ञात लोगों द्वारा बच्चा चोरी के आरोप में एक युवक को बुरी तरह पीट दिया गया था। आरोपी के परिजनों की तहरीर पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए मारपीट करने वाले लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई की जा रही है। देखिए, ये मामला पुलभट्टा थाना क्षेत्र में सिरौली कला का ये मामला है, जिसमें एक व्यक्ति को जो कि किच्छा की वार्ड नंबर 10 का रहने वाला है, उसको बच्चा चोर समझ के उन लोगों ने, जो सिरौली कुछ लोगों ने उनको उनके साथ बदतमीजी और मारपीट कर दी थी, उसमें FIR दर्ज कर ली गई है। लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है, CCTV कैमरे वगैरह देखे जा रहे हैं, उसमें जल्द ही गिरफ्तार किए जाएंगे। श्रीनगर में अवैध शराब का कारोबार जमकर फल फूल रहा है। श्रीनगर में 1 साल से शराब की दुकान नहीं खुल पाई है, जिससे शराब से जुड़े सिंडिकेट श्रीनगर में कालाबाजारी करके छोटी छोटी दुकानों में अवैध रूप से शराब बेच रहे हैं, लेकिन आबकारी विभाग इस पर रोक नहीं लगा पा रही है, जिससे सरकार को करोड़ों के राजस्व की चपत तो लग ही रही है। ऐसी
अवैध शराब की कालाबाजारी करने वाले दो शराब तस्करों पर पुलिस ने धर दबोचा। इनके कब्जे से 15 पेटी अवैध शराब की पेटियां बरामद की गई। ये हमारे पुलिस एसएसपी साहब द्वारा पूरे जनपद स्तर पर अवैध नशाखोरी के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत आज हमने, क्योंकि कल रात थी, आज हमने तो एक चंद्रप्रकाश जोशी है, ये अवैध शराब की इसकी बहुत शिकायतें आ रही थी, तो इसको आज गिरफ्तार किया। 15 पेटियां मैं सेंट्रो कार में ये लेके आ रहा था, इसको गिरफ्तार किया गया और विधिक कार्रवाई की जा रही है। रुड़की में ईंट भट्टा स्वामियों, ट्रैक्टर मालिकों और मजदूरों ने विभिन्न समस्याओं को लेकर एआरटीओ कार्यालय का घेराव किया और इससे पहले लंढौरा से बेलडा तक विरोध जुलूस निकालकर एआरटीओ और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान हाईवे पर घंटों तक जाम लगा रहा। ईंट कल्याण समिति जिला हरिद्वार के नेतृत्व में निकाले गए जुलूस में समिति अध्यक्ष ने कहा कि विगत कई दिनों से एआरटीओ द्वारा ट्रैक्टर वालों पर बहुत ज़्यादा जुर्माना लगाया जा रहा है। एक ट्रैक्टर पर लगभग 30,000 से 40,000 रुपये जुर्माना लिया जा रहा है। साथ ही कई ट्रैक्टर ट्रॉली को ओवरलोड बताकर सीज किया गया है। आपको बता दें कि 27 अगस्त को भी समिति द्वारा एआरटीओ कार्यालय का घेराव किया गया था। एक लाख के करीबी आदमी रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। कुछ आदमियों ने जो अपनी जमीन में बेचकर और या अपने किसी भी तरीके से ट्रैक्टर बना लिए जुगाड़बाजी करके, और वो मजदूर टाइप आदमी है, उन्हें जो है ये पकड़ लेता है और 30,000 रुपये का चालान काटता है। या चाहे ईट उनकी 2,000 हो उसमें ट्रोली में, चाहे 4,000। मुजफ्फरनगर से जो इन्हें महीने दे रहे हैं वो 6,000 से 7,000, 8,000 ईट जा रहे हैं, उन्हें कोई दुखने वाला नहीं है। वो लगभग खानपुर तक का क्षेत्र है, ये उधर नहीं जाता। वहाँ आप बच्चों की गाड़ियाँ देखिए, उनमें ठूस ठूस के बच्चे भरे जाते हैं, कोई चलान नहीं करता, जब उधर जाता ही नहीं है। ये सुबह 4 बजे उगाई के लिए सड़क पर निकल लेता है और कुर्सी डाल के बैठ जाता है। इसका स्टाफ भी इससे परेशान है। ये इतना भ्रष्ट अधिकारी है कि रात को तो ये जेब भरता है सड़कों पर, और दिन में यहाँ जो है लोग चलान भुगतने के लिए सड़क पर यहाँ घूमते रहते हैं भूखे प्यासे, ये उनको मिलता नहीं। 3 बजे घर से आता है, ये देहरादून रहता है, देहरादून से आता है ये। कम से कम 200 गाड़ी, दो अभी जितनी लिस्ट मुझे मिली है वो लिस्ट हमने ज्ञापन में दी है। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग खिलाड़ी मनोज सरकार और अन्य की राष्ट्रीय विकलांग पुरस्कार से संबंधित फाइल समाज कल्याण सचिवालय देहरादून में रोक ली गई। आपको बता दें कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से संबंधित आवेदन हर साल मंगाए जाते हैं। पुरस्कार सिर्फ उन लोगों को मिलता है जो राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त कर चुके होते हैं। राष्ट्रीय विकलांग पुरस्कार से संबंधित फाइल अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी ने पिछले साल भरी थी, जो सही समय सीमा के अंदर मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार में नहीं पहुंच पाई। इस साल भी अनेक लोगों ने राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु आवेदन किया, लेकिन अंतिम तिथि 30 अगस्त तक उक्त फाइल बिना किसी कारण के जानबूझकर समाज कल्याण सचिवालय देहरादून द्वारा रोक ली गई। इस पर समाज कल्याण मंत्री यशपाल आर्य ने कहा कि मामला उनके संज्ञान में नहीं है, उक्त प्रकरण की जाँच की जाएगी। सबसे पहले तो जो हमारे दिव्यांग हैं उस श्रेणी में आते हैं, उनका चयन किया गया है, उनको प्रमोट किया जाएगा, उनको कहीं मजबूती रही है उनको दुरुस्त किया जाए और उनको आगे बढ़ाया जाए। सरकार को यही कहना चाहूँगा कि जो फाइल रोकी गई है, आप किसी फाइल को ना रोके, चाहे वो मेरा क्यों ना हो, आप सारे फाइल को जांच करें। जांच करने के बाद जो आपको लगता है कि विशिष्ट है अब उसको आगे भेजें, ताकि हम जैसे प्लेयरों को प्रोत्साहन मिले। खबर उत्तराखंड में फिलहाल बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ।